रीजन तो दो स्टेटमेंट्स दी जाएगी एक एजर्शन दिया जाएगा एंड रीजन दिया जाएगा एंड उसके लिए वी हैव फोर ऑप्शन तो सबसे पहले मैंने यहाँ आपके लिए ऑप्शन रख दिए हैं जस्ट टू मेक दिस क्वेश्चन इजी फॉर यू लेट स्टार्ट सबसे पहला ऑप्शन क्या है बोथ ए एंड आर एजर्शन एंड रीजनिंग आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए सो बेसिकली दो स्टेटमेंट्स दी जाएगी एजोर्शन में कुछ दिया जाएगा एंड देन उसका रीजन कुछ दिया जाएगा तो आपको बताना है क्या वो दो स्टेटमेंट्स ट्रू हैं और अगर ट्रू हैं क्या जो आर रीजन में जो एक स्टेटमेंट स्पेसिफाइड है क्या वो एजोर्शन को जस्टिफाई कर रही है और आई वुड से इज दैट स्टेटमेंट अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए दिस वुड बी ऑप्शन वन सेकेंड वुड बी बोथ ए एंड आर र इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए कि मतलब एजर्शन भी ठीक है अपनी जगह एंड आर भी अपनी जगह ठीक है बट वो दोनों आपस में मिल नहीं रहे हैं दोनों अपनी अपनी बातें कर रहे हैं बट दोनों अपने तरीके से ठीक कह रहे हैं नेक्स्ट ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स एजर्शन ठीक है क्वेश्चन में बट रीजन गलत है देन एजर्शन गलत है एजर्शन इज फॉल्स बट आर इज ट्रू So let's get started with the first question. In this video, I'll be covering 5 assertion and reasoning questions. And if you are able to understand these 5 questions, then it would be easier for you to do any type of assertion reasoning questions from this chapter. Then also, if you have any doubt, please do let me know in the comment section. I would love to help you all. May all questions you you any problems.

वीडियो वन वीडियो जिसमें पूरा चैप्टर कवर्ड है लास्ट मोमेंट रिविजन करके है मिशन बोर्ड एग्जाम ट्वेंटी से प्लेलिस्ट है आप पहले जाके वो दोनों वीडियो देखिए इन डेप्थ में पहले पढ़िए उसके बाद मेरी वो वीडियो देखिए एंड देन कम बैक टू एजर्शन एंड रीजनिंग क्वेश्चन तो आपके लिए बहुत ईजी होगा अगर आपको ये चैप्टर एक वीडियो में रिवाइज करना है तो उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पर भी मिल जाएगा एंड ऊपर आपको राइट हैंड साइड पे भी दिख जाएगा सो so, आप पहले जाइए वो वीडियो सुनिए देन कम हेयर आपके लिए बहुत ईजी रहेगा ओके okay. तो मैं कहां पे थी इंटरेस्ट ऑन लोन एजन है ये एक फैक्ट है कि इंटरेस्ट ऑन लोन एंड रेंट पेड टू पार्टनर्स आर रिकॉर्डेड इन पी एंड एल अकाउंट ऑब्वियसली इट इज करेक्ट अब इंटरेस्ट ऑन लोन है और रेंट पेड है दे आर रिकॉर्डेड इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ओनली ये हमने स्टार्टिंग से पढ़ते हुए आ रहे हैं और क्या ये रीजन और इसका रीजन क्या है दे दे मतलब इंटरेस्ट ऑन लोन और रेंट पेड आर चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट वेरी करेक्ट अगर आपको याद हो तो हम पी एंड एल अकाउंट किस तरीके से बनाते थे मैं इधर आ जाती हूं पी एंड एल अकाउंट ऐसे बनता था ठीक है जितने भी एक्सपेंसेस होते थे हम डेबिट करते थे इनकम्स होती थी क्रेडिट करते थे ठीक है नेट प्रॉफिट यहां आता था और जो फिर हम पी एन एल अप्रोप्रिएशन बनाते थे ये आ जाता था साइड नेट प्रॉफिट ठीक है तो अब लिख रहे हैं इंटरेस्ट ऑन रोन लोन एंड रेंट पेड ऑब्वियसली इंटरेस्ट ऑन लोन हमारा टू साइड आता था एक्सपेंसेस पे एंड रेंट पेड भी टू साइड आता था क्योंकि वो भी हमारा एक्सपेंस है तो ऑब्वियसली प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ही रिकॉर्ड होंगी दोनों चीजें और इसका रीजन क्या है बिकॉज दे आर चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट इसका एज अ लेमैन की लैंग्वेज में मैं आपको बताती हूँ कि जब भी कंपनी का कोई प्रॉफिट आता है ठीक है कोई भी हमें नेट प्रॉफिट कोई भी प्रॉफिट आ रहा है तो सबसे पहले हम अपने इंटरेस्ट ऑन लोन पे करेंगे एंड जो भी हमारे खर्चे हैं रेंट पेड वो पे किए जाएंगे उसके बाद ही हमारा नेट प्रॉफिट निकला जाएगा तभी ये सब चार्ज करने के बाद यहाँ पे जितने भी एक्सपेंसेस हैं इनकम माइनस एक्सपेंसेस करने के बाद ही हमारा नेट प्रॉफिट आता था ना ग्रॉस प्रॉफिट पहले निकलता था हमारा ग्रॉस प्रॉफिट से नेट प्रॉफिट तक हम कैसे आते थे हम जितने भी हमारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज होते थे उनको डिडक्ट करके नेट प्रॉफिट में पहुँचते थे ना तो वैसे ही तभी उसको कहा जाता है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट की मतलब जो भी मेरा प्रॉफिट आया है सबसे पहले मैं अपना इंटरेस्ट ऑन लोन पे करूंगी और रेंट पे करूंगी तब और उसके बाद जो मेरा नेट प्रॉफिट आएगा वो आगे डिस्ट्रीब्यूशन के लिए काम आएगा तो इसलिए इसको कहते हैं इट्स अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट और मेरा ऑप्शन ए टेक हो गया इसमें बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए नेक्स्ट नेक्स्ट वी हैव सैलरी एंड कमीशन टू पार्टनर्स आर रिकॉर्डेड इन पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट वेरी ट्रू टू साइड पे आ जाता है सैलरी एंड कमीशन पी एंड एल अप्रोप्रिएशन के जितना अब जो नेट प्रॉफिट बचा है जो नेट प्रॉफिट हमारा इंटरेस्ट ऑन लोन रेंट पेड जो भी हमारा आया है सबको चार्ज करने के बाद जा रहे हैं इंड एक्सपेंसिस के बाद जो नेट प्रॉफिट बचा है हम वो नेट प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं वाया सैलरी एंड कमीशन टू पार्टनर्स एज पर अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फॉर्म तो मतलब सबसे पहला जो हमारा एकदम जो भी मेरा प्रॉफिट आया ग्रॉस प्रॉफिट आया उसमें से पहले मेरे इंटरेस्ट ऑन लोन जाएंगे रेंट पेड जाएंगे और जो प्रॉफिट उसके बाद बचेगा मेरा नेट प्रोफिट जिसको हम कहते हैं वो ही नेट प्रॉफिट मेरा डिस्ट्रीब्यूट होगा एज अ वे ऑफ सैलरी एंड कमीशन टू पार्टनर्स तभी हम इसको कहते हैं दी सैलरी एंड कमीशन आर एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट कि मतलब उस प्रॉफिट को अप्रोप्रिएट कर दिया डिस्ट्रीब्यूट कर दिया ठीक है अब जो फाइनली नेट प्रॉफिट आया वो डिस्ट्रीब्यूट होएगा ना मेरा प्रॉफिट तो इसलिए तो अब रीजन देखिए क्या कहते हैं दे आर दे मीन सैलरी एंड कमीशन टू पार्टनर्स आर एन एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट्स वेरी करेक्ट वेरी ट्रू तो मेरे लिए यहां पे भी ऑप्शन ए इज द करेक्ट ये भी ए है दिस इज ऑल्सो ए क्योंकि दोनों एजोशन ठीक और उनके जो रीजन है वो भी एकदम करेक्ट है मैं क्यों सैलरी टू सैलरी एंड कमीशन को अप्रोप्रिएट एंड्रोप में दिखाती हूँ बिकॉज इट्स एन अप्रोप्रिएशन फॉर प्रॉफिट जो भी मेरा नेट प्रॉफिट आता है वो मैं डिस्ट्रीब्यूट करती हूँ नेक्स्ट इफ अ पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट प्रॉफिट एंड लॉसेज आर इक्वली शेयर्ड वेरी ट्रू या तो पार्टनरशिप डीट बनाते हैं लोग या तो नहीं बनाते अगर बनाई है अगर बनाई है तो अच्छी बात है उसमें लिखा होगा कि किस तरीके से प्रॉफिट एंड लॉस आप शेयर करोगे अगर नहीं बनाई है इट मीन्स यू हैव टू शेयर द प्रॉफिट एंड लॉस इज इक्वली नेक्स्ट इफ पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट आईओ डी इज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज सिक्स परसेंट सिक्स परसेंट नो इंटरेस्ट ऑन ड्राॅइंग्स तो फिर चार्ज नहीं किया जाता अगर हमने पार्टनरशिप डीट जो है अगर नहीं बनाई है तो मतलब मेरा एजर्शन ठीक है बट रीज़न गलत है तो मेरा ऑप्शन कहाँ पे आ गया सी ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स इंटरेस्ट ऑन ड्राॅइंग्स पार्टनरशिप डीड अगर साइलेंट होती है तो इंटरेस्ट ऑन ड्राॅइंग्स तो चार्ज ही नहीं होता ठीक है सो डोंट गेट कन्फ्यूज नेक्स्ट Assertion: It is desirable to make partnership deed in writing. It is desirable means ki कहा जाता है कि partnership deed अगर writing में हो तो अच्छी बात है Assertion ठीक है Obviously अच्छी बात है ना पार्टनरशिप डीड अगर राइटिंग में है तो हर चीज clarity है सबको क्लैरिटी है कितने profits एंड losses शेयर होेंगे किस रेशियो पे शेयर होएगा और कितना इंटरेस्ट ऑफ drawing चार्ज होगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना मिलेगा etc. तो ये अच्छी बात है तो एजोशन इज करेक्ट और रीजन क्या है पार्टनरशिप अग्रीमेंट सर्व एज एन एविडेंस इन द कोर्ट ऑफ लॉ वेरी ट्रू अगर मेरी पार्टनरशिप डीड रजिस्टर्ड है तो मतलब वो एक एविडेंस की तरह भी काम आ सकती है इन द कोर्ट ऑफ लॉ ऑल्सो तभी तो बेनिफिट है पार्टनरशिप डीड बनाने का सबसे बड़ा बेनिफिट पार्टनरशिप डीड का तो मतलब मेरा ये भी करेक्ट है इसकी ऑप्शन भी ए है ए एंड आर दोनों ट्रू है एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए लास्ट लास्ट क्वेश्चन है पार्टनरशिप इज अ बिजनेस एंटिटी विच इज नॉट सेपरेटेड फ्रॉम इट्स पार्टनर्स। ए पी इज सेपरेटेड फ्रॉम इट्स पार्टनर ये तो मेरे को डाउट लग रहा है सेपरेटेड तो होते ही हैं कोई भी बिजनेस एंटिटी है वो सेपरेटेड होती है एज पर बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट है ना तो मतलब ये हमेरा इजोशन गलत है आर पार्टनर्स आर म्यूचुअल एजेंट्स ऑफ ईच अदर दे देप ईच अदर दे आर म्यूचुअल एजेंट तो मैं रीजन तो ठीक कह सकती हूँ तो मतलब मेरा ये वाला ऑप्शन टिक हो गया डी एजर्शन ऑर्शन इज फॉल्स बट आर इज ट्रू सी स्टूडेंट्स यू जस्ट नीड टू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट केयरफुली अगर आपको बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट समझ आया है देन ओनली यूल बी एबल टू सॉल्व एजोशन रीजनिंग क्वेश्चन के इस बेस्ड एम सी क्यूज अगर आपको नहीं समझ आया तो आप नहीं कर सकते तो उस आपकी हेल्प के लिए ही मैंने इन डेप्थ वीडियोज़ बनाई हैं बहुत अच्छी एंड एक वीडियो में आपके सारे टॉपिक्स कवर हो जाएंगे लास्ट मोमेंट रिविजन के नाम से हैं आप प्लीज़ वो जाके वो भी मेरी वीडियो देखिए इट विल हेल्प यू टू सॉल्व द क्वेश्चन Thank you guys. And if you have any doubt, please do let me know in the comment section. Thank you so much.